तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छा ही होंगे। तो फ्रेंड आज हम कुछ इस टाइप से फेसेस मत करना और यहाँ से फेस पे ऑयल पेंट करना, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हेयर एडिटिंग कैसे मैं किया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से कट कैसे लगाया हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको फोटो बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते कि फ़ोटो का कलर कैसे चेंज किया हूँ और बैकग्राउंड भी चेंज किया हूँ, और यहाँ पे मेरा ओरिजिनल फोटो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरा फोटो है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का फोटो आपको क्लिक करवा के, और यहाँ से आप लोगों को कुछ इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो फ्रेंड आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग करना है तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा HD क्वालिटी में मैंने फेस के स्मूथ किया है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको बैक चले आना है, और यहाँ से ऑल फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड ऑल फोटो पे क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोटो ये वाला है। तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको बैक चले आना है। फ्रेंड मैं एक प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड प्रीसेट डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपको एक क्लिक में आपका फोटो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक करेंगे, और यहाँ से कॉपी हो जाने के बाद इसको ऑन करके और यहाँ से डन कर देंगे। फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको ओरिजिनल फोटो को लेंगे, और यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से पेस्ट सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा फोटो बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको कलर वाले पे आएंगे, और यहाँ से मिक्स वाले पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है कि रेड वाले का लेकर, और यहाँ से इसका सैचुरेशन को माइनस करेंगे इतना, और डोमिनेंस को थोड़ा फुल कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्लिक में बिफोर एंड आफ्टर। फ्रेंड आपको इस तरह का एडिटिंग कोई नहीं बताएगा। फ्रेंड आप लोग को कुछ इस तरीके से एडिटिंग करने के लिए इसी चैनल पर आना होगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जैसे शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करके, और यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड फोटो को सेव करने के बाद आपको क्या करना है तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। फ्रेंड ओके करने के बाद फिर सबको चले जाना है बैक, और यहाँ से बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि ऐसे अपने गैलरी को ओपन करेंगे, और फ्रेंड गैलरी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा फोटो आएगा। तो आपको क्या कर लेना है कि इस फोटो को लेंगे, और यहाँ से इस फोटो को लेने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको बैक इस शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फोटो रूम एप्लीकेशन में यहाँ से ओपन कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग को प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है डाटा को ऑन करके, और यहाँ से आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से बैक चले आना है, और यहाँ से बैक आने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है। तो फ्रेंड आप लोगों को थोड़ा वेट कर लेना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। तो आप लोगों को क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक कर देने के बाद आपको क्या कर देना है कि यहाँ से आपको आप लोग यहाँ पर इसमें लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड लोडिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस को लेकर आपको एक बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड जो भी मटेरियल आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रहा मेरा फोटो, और यहाँ से आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके से एक क्लिक में मेरा बैकग्राउंड और फोटो सेट हो चुका है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कट आने के बाद अपने फोटो को तो यहाँ से सेव टू गैलरी पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। फ्रेंड सेव करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको गैलरी में आ जाना है, और यहाँ से गैलरी में आ जाने के बाद आपको अपने फोटो को यहाँ से लेकर, और यहाँ से ऑटो डिस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड ये रहा मेरा फोटो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड इस फोटो को लेकर मैं ऑटो डिस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इसको लेने के बाद आपको क्या कर लेना है कि जिस तरीके से आप इंटरफेस को लेकर आपको ऑटो डिस्क एप्लीकेशन में ओपन कर लेना मेरा फोटो, और यहाँ से ऑटो डिस्क एप्लीकेशन में ओपन कर। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा, तो आपको यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है टूल वाले पे, और फ्रेंड टूल वाले पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ब्रश का एक निशान यहाँ पे देख रहे हो। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर पे 4 नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सॉफ्ट इरेजर पे, और यहाँ से इस वाले ब्रश को आपको, और यहाँ से ट्रांजिशनल को आपको सेलेक्ट करके, और यहाँ से सेटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रेंड सेटिंग रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड आप लोग से कुछ इस तरीके से मेरा सेटिंग रहेगा, और यहाँ से स्मूथ वाले पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इधर आना है, और यहाँ से आपको फेस को ऐसे ऐसे स्मूथ करना है। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे स्मूथ कर रहा हूँ कितना इजी स्टेप से। तो आप लोग को भी कुछ इस तरीके से स्मूथ करना है
बिल्कुल आराम आराम से फ्रेंड करना है स्मूथ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से स्मूथ हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का निशान यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फ्रेंड आपको भी कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है और यहाँ पे कितना रेड रेड, मतलब आप लोग यहाँ पे रेड टून यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। और फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्मूथ करना होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मैंने स्मूथ करना आपको सिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड चैनल पर नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको छोटे बड़े कर करके आपको यहाँ से स्मूथ करना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जितना आराम आराम से कीजिएगा ना फ्रेंड, आप लोग उतना अच्छा तरीके से आपको स्मूथ होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना आराम आराम से आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग को घबराना नहीं है फ्रेंड, आप लोग फोटो बनाना है तो आप लोगों को टाइम लगेगा ही। तो फ्रेंड आप लोग को भी टाइम लगेगा और हमको भी टाइम लगता है फ्रेंड, कम से कम तो आधा एक घंटा लग ही जाता है एक फ़ोटो बनाने में। तो आप लोग को भी, आप लोग को मैं ज़्यादा ही लग जाएगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जितना टाइम लगेगा फ्रेंड उतना ही आपका अच्छा फोटो एडिटिंग होगा। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे आप लोग हैंड को भी थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ फ्रेंड आपको करना होगा आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फ्रेंड आप लोगों को देख सकते हैं कि सेटिंग कुछ उसी तरह से रहेगा फ्रेंड, आप लोग को सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ इतना तो हो गया और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि आपको अच्छे तरीके से ये करके, और यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हेयर को कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इधर आ जाना है और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि कुछ इस तरीके से आपको आना है और इस ब्रश को आपको ले लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो इस ब्रश पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड सेटिंग को करके और यहाँ से कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना अच्छा तरीके से एडिटिंग करके। कितना अच्छे तरीके से मैं आपको एडिटिंग, हेयर एडिटिंग करना आपको सिखा रहा हूँ। आप लोगों को फ्रेंड कोई नहीं सिखाएगा इस तरह का, एक ही वीडियो में आप लोगों का फेस स्मूथ और वेल पेंट और यहाँ से हेयर को कटिंग कैसे किए जाते हैं और यहाँ से हेयर को बनाए कैसे जाते हैं कोई नहीं बताएगा फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर लेना है आपको भी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जितना आराम आराम से कीजिएगा ना फ्रेंड उतना ही आपका अच्छा फोटो एडिटिंग होगा और यहाँ से लाजवाब फोटो एडिटिंग होगा। तो फ्रेंड इतना तो हो गया और यहाँ से इतना हो जाने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको कट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक, सॉरी फ्रेंड यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर आ जाना है और यहाँ से क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस वाले ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करके और यहाँ से सेटिंग आप लोग कुछ इस तरीके से रखिएगा फ्रेंड, बिल्कुल यही सेटिंग रहेगा फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड सेटिंग को रखने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इस वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से थोड़ा सा जूम करेंगे फोटो को और यहाँ अच्छा सा एडजस्ट करके और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि ऐसे ऐसे आपको चला लेना है फ्रेंड। आप लोग यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके से आपको ऐसे चला लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते कितना ईजी स्टेप से आपको यहाँ पे हेयर कट हो रहा है। और फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे करना होगा तो आप लोग अच्छे से यहाँ से आप लोग कर दीजिएगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सबसे अच्छा होगा फ्रेंड। और यहाँ से फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि इस वाले ब्रश पे आएंगे और यहाँ से सेटिंग आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को सेटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऐसे स्मूथ कर लेना है। तो फ्रेंड मैं कर ले रहा हूँ, आपको भी यहाँ से कर लेना है। आप लोग यहाँ पे ऐसे कितना इजी स्टेप से मैंने आपको करके दिखा दिया हूँ। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको
शेयर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स सेव करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ से सेव पे क्लिक करके अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आपको यहाँ से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड ये रहा मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, तो इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ। फ्रेंड ओपन कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड इतना खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से ईडी फोटो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड फोटो को लेने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको टूल वाले पे आएंगे और यहाँ से अपने फोटो को यहाँ से रिसाइज कर लेंगे। फ्रेंड यहाँ से रिसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से 3000 लिख देना है, यहाँ पे आप लोग 3000 डाल देना है। फिर इतना हो जाने के बाद फिर से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको एफएक्स वाले पे आएंगे और यहाँ से एफएक्स वाले पे आने के बाद यहाँ से आपको इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने कपड़े पर कलर करने के इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रेजर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। फिर इन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ से फुल करके, सॉरी फ्रेंड यहाँ से पूरा फुल नहीं करना है, इतना तक रख के और ऐसे ऐसे आपको चला देना है। तो फ्रेंड मैं जल्दी चला रहा हूँ, आपको भी यहाँ से चला देना है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हुई को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एकदम माइनस रखना है, जो भी आपको रखना है यहाँ से आपको कर लेना है। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देखते कुछ इस तरीके से यहाँ पे छूट रहा है, तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से शेयर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऐसे, सॉरी फ्रेंड यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक करके और यहाँ से आपको फुल करके और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से ऐसे कर लेना है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद फिर से आपको डन कर देना है। फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एफएक्स वाले पे आएंगे और यहाँ से फिर उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो फ्रेंड यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ से रेजर वाले पे क्लिक करके और यहाँ से आपको ऐसे आपको रिमूव और सॉरी फ्रेंड यहाँ से आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको हुई को आपको चेंज कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं हरा वाले को क्लिक कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर जैसे कुछ इस तरीके से मैं कर ले रहा हूँ, आपको भी यहाँ से कर लेना है। फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको रेजर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको व्हाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद फिर से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको एड फोटो पर चलेंगे और यहाँ से एड फोटो पर आ जाने के बाद फिर से आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इस पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये रहा मेरा पीएनजी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2 PNG है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड इसको यहाँ पर करने के लिए आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से आपको स्किन कर देना है और यहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसे आप लोग को कर देना है। फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको इस पे आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से स्किन कर देना है और यहाँ से आपको क्रॉप कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप करके और यहाँ से आपको लगा देना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पे लगेगा। फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको इधर आना है और यहाँ से टूल वाले पे आएंगे और यहाँ से आपको एडजस्ट वाले पे आ जाना है और यहाँ से आपको कंट्रास्ट को थोड़ा सा हाई कर देना है इतना तक और यहाँ से क्लियरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके और यहाँ से सैचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से आपको हुई को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हुई को मैं नहीं छेड़ूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और यहाँ से शेडो को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा। और फ्रेंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से टेम्पो हल्का सा
बढ़ा दूंगा और यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। और फ्रेंड यहाँ से इतना हो जाने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि अपने फेस में ऑयल पेंट करना है। तो फ्रेंड चलिए आपको ऑयल पेंट करने में सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको शेयर वाले ड्रॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो कैसे सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए आपको करना सिखा दे रहा हूँ। और फ्रेंड ऑयल पेंट करने के लिए आपको क्या कर लेना होगा कि यहाँ से आपको टूल यूज एप्लीकेशन में आपको ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड टूल यूज एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको आगे क्यों इंटरफेस खुलेगा, तो आपको क्या कर लेना है कि कुछ इस तरीके से एड जलेगा, आपको यहाँ से कट कर देना है। और फ्रेंड यहाँ से आपको एक मिनट रुक जाइए, फ्रेंड यहाँ से आपको इस वाले प्रो एडिटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड प्रो एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फोटो को ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरा फोटो है। तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको करने के लिए आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से फ्रेंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखते हैं सॉफ्ट स्मूथ पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड यहाँ से शुरू होगा मेन काम। और यहाँ से आप लोग पाँच नंबर वाले पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाँच नंबर। तो फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ से आपको मास्क वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से इरेजर वाले पे रहने देंगे और यहाँ से आपको आँख पर से और यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि हटा देना है और यहाँ से आपको ऊँटों पर से आपको यहाँ से अच्छे तरीके से हटा देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जहाँ जहाँ फ्रेंड आपको नहीं रखना है आप लोग यहाँ से हटा देना है। तो फिर मैं हटा दे रहा हूँ, आपको भी यहाँ से हटा देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका फेस स्मूथ हो चुका है और यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या कर देना है कि फिर से आपको बालों पर ज़्यादा करना है। फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बालों पर ज़्यादा करना है। तो आप लोग को फिर से उसी ऑप्शन पर इफेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यह कर लेना है कि यहाँ से आपको 10 पे क्लिक करके और यहाँ से आपको मार्क्स पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देना है। और फ्रेंड क्लियर करने के बाद आपको यहाँ से आपको ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑसम तरीके से मैंने एडिटिंग करके आपको सिखा दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से आपको डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा फोटो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेगा। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं।